कि आपको सेल्स का नॉलेज नहीं होगा तो थोड़ा मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत होगी। मेंस्ट्रुएशन ठीक से समझ में, उसके लिए पहले ज्योमेट्री पढ़ो, ज्योमेट्री सही से अगर आ जाएगी तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अपना और आपका ट्रिग्नोमेट्री वो भी थोड़ा बहुत। ज्योमेट्री में पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे से, जो परपेंडिकुलर बताते हैं ना ये 90 डिग्री,
सिंबल भी होता ही 90 डिग्री का, इस तरीके से अगर हम बना लेते हैं तो 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है, जैसे घड़ी में 3 बज रहे हो तो 90 डिग्री के कोण पर बज रहे, एक सुई 3 की तरफ होती है, कहां होती ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सरल कोण, तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है, सीधी रेखा की तो इसमें किसी भी पॉइंट पे आप एक साइड पे अगर कोई एंगल देखेंगे तो ये हमारा जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा। अब बात आती है अधिक अधिकोण की, अगर बात करें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोई भी कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अधिकोण। बृहत कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मैंने अभी क्या कहा था रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो बृहत कोण क्या 180 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन लिमिट इसकी यही तक है 360 डिग्री से क्या हो, 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात होती है। आप एक चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पर आ गए तो फिर क्या है आप ये समझ लो 0 डिग्री पे ही खड़े, ठीक है। आप घड़ी की सुई की अगर हम बात करें तो ये पूरा अगर घूमती है तो कितने 360 डिग्री घूमती है, लेकिन आप एक बात बताओ अगर अपनी जगह पर ही आ गई सुई वापस तो 0 डिग्री और 360 डिग्री तो बराबर है, तो ना तो कोई कोण 0 डिग्री का होता है ना 360 डिग्री का, बस ये केवल एक कंपैरिजन के लिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है पूरक कोण, दूसरा पढ़ना है समकोण, पूरक कोण और समकोण। पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा होगा
20 साल कितना रहेगा? दुनिया के किसी भी कोण के पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर हमेशा कितना होगा? ठीक है, जल्दी से अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी से लिख लो, फिर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैसे पता
जैसे एक सीधी रेखा है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मैंने कहा ये वाला कोण एक्स के लिए और ये वाला कोण वाई। तो आपको बताया गया कि जो सरल कोण होता है सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितने डिग्री होगा, एक साइड का 180 डिग्री होगा। तो ऊपर वाली साइड का अगर आपने देखें तो ये एक्स और वाई का जो टोटल होगा कन्फर्म है कितने डिग्री होगा। तो आपको अलग अलग तरीके से सवाल करेगा एक्स और वाई में कितना रेशियो या एक्स वाई का 4/5 गुना वाई की वैल्यू इस तरीके से। आप ऐसा जरूरी नहीं दो ही पार्ट कर सकते हो, आप कितने भी कर लो 1, 2, 3, 4 पार्ट। मैंने कहा ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये वाला सी है और ये वाला थीटा है। अब भी तो आप देखो ये सरल रेखा ही तो, अगर एक सरल रेखा है तो एक साइड के जितने भी कोण होंगे इन सबका टोटल मिला लो कितना आता है, इसको बोलते हैं जहां पे भी जब एक सरल रेखा देखे तो समझ लेना उस सब कोणों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 180। ये लीनियर पेयर का मतलब दो चीजें होती हैं पेयर का रैखिक युग्म लिखा है मैंने, आप समझ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लीनियर पेयर का मतलब यहाँ भी कोई पेयर ही तो बनना है, एक सीधी रेखा में जितने भी कोण होंगे सबको मिला के टोटल। मैं बता रहा हूँ जैसे पेयर की बात करें तो एक्स और वाई का टोटल तो 180 है, मैंने क्या कहा अगर दो कोणों के अलावा अगर चार भी हिस्से कर लो तब भी टोटल 180 है, यहाँ पे तो दो ही कोण है एक्स और वाई का टोटल कितना 180। अब जरूरी थोड़ा ना एक ही लाइन यहाँ से खींच दे, एग्जामिनर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर दो तीन लाइन खींच के दे दे आपको, जब आप इसके जितने भी टुकड़े करेंगे एक सीधी रेखा अगर आपको दिखता है तो उसके एक साइड के जितने भी कोण होंगे उन सबका जो टोटल होगा वो कितना होगा 180। ये तो बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं,
तो ये भी एक्सेल आप वो जरूरत के हिसाब से देखेंगे हमें कौन सा एंगल निकालना है, कौन सा एंगल को कैसे निकालना है। तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एंगल्स के हिसाब से ये सब बराबर है। तो आप देखो एक लाइन मुझे तीनों लाइन को काट के तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखो इस कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे ये वाली जो लाइन आप खींच रहे हैं तो ये लाइन इसके सॉरी ये दोनों समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर कंडीशन के हिसाब से बात करें तो हमको बोलते हैं हम लोग संगत, ये संगत कोण है क्योंकि जितना झुकाव इस लाइन से होगा अगर ये इसके समांतर है तो उतना ही झुकाव इसमें तो सभी से बराबर रहेगा। इधर वाले कोण जो है, अब एक कोण बचता है हमारा, जैसे इसको हम लिखते हैं मान लिया पाई, तो ये भी कितना होगा इस हिसाब से, ये भी पाई होगा क्योंकि जितना झुकाव यहाँ होगा उतना ही झुकाव, तो ये वाला कोण भी पाई, इसको अगर हम पाई मानते तो ये भी पाई। अब आप देखो भले ही हमने तीन लाइनें खींची, एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी, 4 × 3 12 कोण बनाते, कोण दो ही है उन्हीं को आगे पीछे आप देख रहे हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x निकल गया, ये भी x, ये भी x, तो कितनी भी बड़ी समांतर लाइन खींचे कल को आपसे क्या देखिए भाई, मैंने कहा ये वाला कोण 35 डिग्री, अब आपसे कहा कि ये वाला बताओ, तो अपना दिमाग इतना ही लगा रहा है कि अगर ये 35 है तो ये भी कितना होता है 35 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो ये एक लीनियर पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर बनना है तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180, और 180 होगा तो ये वाला जो कोण होगा इधर वाला ये होगा 155, ये वाला 155 होगा तो यहाँ भी आपका कोण कितने डिग्री होगा। अभी मैं सवाल कर रहा हूँ अभी मुझे इसकी बात नहीं पता, मैंने कहा 5 और 3 ले लेते हैं, तो आप 5 की आर्क मानेंगे यहाँ से
लगभग यहाँ होगा कैसा होगा, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की आर्क बना लो तो 3 सेंटीमीटर की आर्क बिल्कुल यहाँ पर काटेगी। तो अगर मैं इसको मिला दूंगा तो कोई दोष थोड़ा बन पाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगी। अब देखो इसी का उल्टा भी समझो, दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा ए का और बी का डिफरेंस सी से कम होगा, बी का और सी का डिफरेंस ए से कम होगा, सी का और ए का डिफरेंस इससे कम होगा। मतलब आप चाहे तो इसको लैंग्वेज में लिखते ना, त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अब इसमें पता है बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछ लिया आपसे, कहा जाता है यदि किसी त्रिभुज में
की भी पहले देखे क्वेश्चन तो सब क्या कहना है सर दूसरे की वैल्यू देखे तो मतलब उसका मतलब ही नहीं जैसे अगर आप ये वाली वैल्यू देखिए तो वो एक फिक्स ट्रायंगल होगा उससे क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन ये नहीं पूछेगा कितने का होगा जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता तभी तो हम संभावना बताएंगे एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती मतलब अगर ये वैल्यू फिक्स कर मैंने कहा इसकी जगह आठ तो मैंने कहा आठ सेंटीमीटर नौ सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर तीन हो जाए इसका मतलब ये तो फिक्स हो गई उसमें कोई वेरिएशन है नहीं हम किसी को चेंज थोड़े ना कर सकते जब हमसे संभावना पूछेगा तो एक वैल्यू को कम से कम नहीं पता है अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं अगर हम बात करें
यहां से यहां तक की लेंथ अगर ये 5 होती तो ये भी कितनी होगी, दोनों बराबर होगी। दूसरी चीज, इनका एरिया भी इक्वल होगा, जितना एरिया इस वाले ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का, यानी कि एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। एरिया क्यों इक्वल हो रहा है, एरिया इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस बराबर ही तो है और हाइट भी बराबर है, हाइट तो यहीं से नापी जाएगी टॉप पॉइंट से, तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया भी तो सेम ही आएगा। तो आप ध्यान रखना कि नलिका का काम क्या है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है यानी कि दो बराबर है और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। जैसे इसको ट्राइंगल वन लिखते हैं, इसको ट्राइंगल, तो अगर मैं आपसे कहूँ ट्राइंगल वन का एरिया क्षेत्रफल और ट्राइंगल टू का एरिया, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू का एरिया दोनों का आपस में बराबर होगा। जैसे कल को अगर आपसे कह दे इस पूरे त्रिभुज का एरिया छप्पन वर्ग से और आपसे कह रहे इस वाले त्रिभुज का आधा होता है 28 इधर वाला 28, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। यह हो सकता है इस त्रिभुज का एरिया देखिए पूरे त्रिभुज का पूछ ले आपसे कह ये वाली हमारी जो लाइन है ये बी है, सर ये बी से बिल्कुल जाती है तो 90 अंश का कोण है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है भाई आप ये समझो। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा बना अब इसका मतलब इन दोनों के यहां भी बन रहा होगा है ना, अब इसको मिलाएंगे तो ये तो तिरछी जाएगी यहां से, तो मिड पॉइंट होना कंपलसरी है लेकिन ये 90 हो ये जरूरी नहीं है, ये तभी हो सकता है जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, उस केस में ये मीडियन आपका 90 डिग्री का एंगल में बनाते हैं। पहले ये वाली कंफर्म इक्वेशन होनी चाहिए क्या ये वाली साइड इसके बराबर है, अगर ये साइड इसके बराबर हो गई तो फिर तो ये दोनों ट्राइंगल ही सेम होंगे और ट्राइंगल सेम होंगे तो यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी क्या होगा। एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, इसके बीच में हमने क्या खींचा, तो
एंगल बाइसेक्टर को हम ये कहते हैं कि जो सामने वाली भुजा है ये उसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो पे ये लिखा है। अगर ये 5 और 7 के रेशियो पर ये भी 5 और 7 के रेशियो पर गिरेगा। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब सीधा-सीधा ये माना जाता है कि सामने वाली भुजा मैं ज्यादा खुद इसमें भी दिखा रहा हूं अगर आपको इसे चाहिए तो मैं मेरे पास है मतलब मैं आपको थोड़ी लिखा हुआ दे दूंगा उससे कुछ नहीं होगा आपको समझना ज्यादा है लिखा हुआ तो किताबों में सब कुछ होगा। तो इन दोनों का रेशियो सामने वाली जो पार्ट दिख रहा है आपको एक ये वाला और एक इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है BD रेशियो। अब मैं आपको बताऊं सवाल कैसे सवाल ऐसा पूछेगा कहेगा कि ये वाली वैल्यू 8 और ये नीचे वाली ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं इनका भी अनुपात क्या होगा लेकिन इसको इंटरचेंज मत करना। अगर लेफ्ट से राइट रेशियो ले रहे तो यहां भी लेफ्ट से राइट ही कहीं पलट के लिख दो अनुपात है वो गलत हो जाएगा। तो एक अनुपात दो में डिवाइड करना है 15 सेंटीमीटर को। आप बताइए कि 1 + 2 कितना होगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी 15 तो 1 की वैल्यू 5 नहीं आ रही 1 की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो 2 की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर क्या रहेगा आपको पता है कि इधर वाली वैल्यू इसकी डबल है तो यहां भी इधर वाली वैल्यू इसकी डबल ही आएगी तो यहां 10 सेंटीमीटर यहां कितना है 5। अभी आप केवल इतना लिखिए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में दोनों भुजाएं हैं। अब देखो एंगल बाइसेक्टर जैसे हमने यहां से ए वर्टेक्स से खींचा तो यहां से दो साइड मिलेंगे ना एक ए बी और एक ए सी। ए बी और ए सी का रेशियो वही होगा सामने जहां भी ये मिलेंगे इन दोनों का रेशियो भी उतना ही
आपके चार टाइप के क्वेश्चन पूछे, एक इनसेंटर, इनसेंटर मतलब अंधा पत्ता, उसके बाद आप एक चीज समझो, जैसे ट्राइंगल होते हैं तो ट्राइंगल के जो सेंटर होते हैं एक होता है हमारा अंधा के, और क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं।
कहा कि ये जो है ना आई एग्जाम में भी जनरली ये होता है कि अंतर बिंदु को आई से रिप्रेजेंट कर देते क्योंकि वो इन सेंटर पर ऑर्थो सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर देते सेंट्रोइड को सी से रिप्रेजेंट कर देते तो इसलिए इसमें नाम होगा थोड़ा आसान रहेगा लेकिन अब ये जरूरी नहीं हो सकता आई की जगह कल को पी लिख दे तो कोई बड़ी बात भी नहीं तो आई का मतलब यहाँ पर है किस बात से कि ये इस त्रिभुज का क्या है अंतर। अब पता सवाल क्या पूछता है एक तो ये वाला सवाल पूछेगा आपको या तो ये वाला एंगल देखे ये वाला या फिर ये वाला एंगल देखे ये वाला इन दोनों एंगल का अगर रिलेशन पता लग जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक एंगल से दूसरा वाला निकाल सकते हैं ना तो ये जो केंद्र पर जो कोण बनता होगा इसको आप एंगल बी आई सी आप देखो एंगल को रिप्रेजेंट करना अगर नहीं पता हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ जैसे बी आई सी की बात कर रहा हूँ ना तो पहले बी फिर आई और फिर सी के बीच का झुकाव यही तो होगा बी आई सी को मिलाएंगे तो ये वाला तो झुका होगा एंगल बी आई सी ये होता किसके बराबर है 90 प्लस जो अपोजिट सीट होगा इसके अपोजिट कौन सा सीट है या ऐसे देख लो दो वर्टिक्स तो इसी में आ रहे कौन कौन से बी और सी तो त्रिभुज के दो वर्टिक्स अगर इसमें आ रहे तो तीसरा वर्टिक्स कौन सा होगा तो ये जो सीट कोण होगा इस सीट कोण का आधा अगर 90 में जोड़ दें तो इसके बराबर होगा आपको तो सीधी सी बात है कभी भी अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है या फिर ये वाला निकालना है जैसे जल्दी से क्वेश्चन करके आप मुझे बता दो अगर मैं कल को आपसे कह दूँ ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है और यहाँ से एक अंतर के सेंटर ये वाला है तो ये कोण कितना करना ही क्या है 90 में जोड़ दो आप 48 का आधा कितना होता है 24 तो आपका ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा कल को हो सकता है कि आपसे ये कहते हैं कि भाई ये वाला कोण हम बता दे रहे हैं मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये कितना है 100 अब ऊपर वाला निकालो देखो कैलकुलेशन का अपना स्किल अलग रखो ऐसा नहीं फॉर्मूला लगाया चार लाइन ना होकर आपको पता है 90 प्लस ही तो होता है तो 90 में कितना ऐड किया है 105 है तो 90 में कितना ऐड किया और आधा ऐड किया होगा इसका तो इसका मतलब 15 का डबल ये वाला कितना होगा देखो तो हम यहां पर 90 सॉरी 105 यहां लगा दें आपको एंगल ए बाय 2 निकाल के देखना पड़ेगा लेकिन आपको पता है ये जो कोण होता है 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा होता है तो पहले तो ये देखो 105 90 प्लस 15 ही कोण है और 15 किस संख्या का आ रहा होगा तो उसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा क्वेश्चन तो अपने करेंगे अभी केवल आप कंडीशन ठीक है एक केंद्र हो गया दूसरा केंद्र कौन सा है परिधि परिकेंद्र को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर क्योंकि ये परिवृत्त का ही केंद्र कहलाता है अब किसी भी त्रिभुज के बाहर से भी तो वृत्त बनाया जा सकता है त्रिभुज के बाहर से वृत्त बनाया उसको बनाने के लिए उसका सेंटर डिसाइड करना जरूरी है अगर हम इसके बाहर से कोई वृत्त बना भी दें इसके बाहर से वृत्त बनाना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाएगा पहले वृत्त बनाओ तब इसके अंदर एक त्रिभुज बना दें अब ये जो आपने सेट किए हैं एक सर्कल देखा देखो तीन असरदार बिंदु होंगे तो उनसे तो वृत्त बन सकता है लेकिन तीन से ज्यादा असरदार बिंदु होंगे तो उनसे वृत्त बनने की कोई गारंटी नहीं तीन असरदार बिंदु मतलब एक सीधी रेखा में अगर तीन लाइन तीन बिंदु नहीं है तो उनसे तो वृत्त बनाया जा सकता है क्योंकि तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के बाहर से वृत्त बन जाता है ठीक है अब इसका जो सेंटर होगा वो बताओ कैसे पता लगाएंगे थोड़ा याद आ रहा हूं नाइन टेंथ का तो बता भुजाओं के लंब अर्धक का प्रतिच्छेद मतलब ऐसा होगा ना ऐसा नहीं आधा करना है आधा करेंगे तो किधर भी जा सकती है इसके मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे ये हम लोग बोलते हैं कि लंब अर्धक इस बारी को भी हम आधा आधा डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इसको डिवाइड करने पर जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद रख लिया तो यही इसका क्या हो जाएगा तो आप ध्यान रखना परिकेंद्र क्या होता है भुजाओं के उसका मतलब समझ लो लंब अर्धक सिर्फ अर्धक नहीं होना चाहिए अर्धक के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण के साथ एक आधी मतलब आप अर्धक खींच रहे हैं आधी लाइन से आप डिवाइड कर रहे हो ठीक है लेकिन 90 डिग्री के कोण के साथ उसका प्रतिच्छेद भी
लंब अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा, इस बात को ध्यान। अब ये जो व्रत है ना, व्रत आप बताइए त्रिभुज के शीर्षों को ही तो टच कर रहा है, त्रिभुज के शीर्षों को अगर व्रत टच कर रहा है तो व्रत की दूरी तो केंद्र से बराबर ही होगी, व्रत की दूरी केंद्र से बराबर नहीं होगी, व्रत के किसी भी हिस्से में आप टच कर रहे हो केंद्र से तो दूरी बराबर ही आएगी क्योंकि वो त्रिज्या हो जाएगी। अब अगर व्रत की बात करें, व्रत त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के जितने शीर्ष हैं तीन तो शीर्ष होंगे, शीर्ष से समान दूरी पर स्थित है। तो इसको आप दो तरीके से याद रखना, अगर कोई पूछे परिकेंद्र कहाँ बनता है तो आप कहना लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पर होगा वहीं पर परिकेंद्र, भुजाओं के जो लंब अर्धक होंगे जहाँ काटेंगे वहीं पर प्रतिच्छेद। डायरेक्ट भी पूछ रहे आपसे क्या भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं परिकेंद्र। दूसरी चीज जो परिकेंद्र सॉरी परिवृत्त बनता है वो त्रिभुज के शीर्षों पे बनता है, तो शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या होगी, तो मैंने यही तो लिखा शीर्ष समान दूरी पर होगा परिकेंद्र। और यहाँ पर जो व्रत बनाया ये व्रत त्रिभुज की भुजाओं को टच कर रहा है, शीर्ष को थोड़े ना कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है भुजाओं से दूरी समान। ठीक है, और आगे की बात ये थोड़ा सा आसान सर्कल को भी टच करते हैं, एक सर्कल की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा ये परिकेंद्र है ना, इसको मैंने सेंटर को इस तरीके से मिला, ये जो है ना हमारा ये क्या है परिकेंद्र, इसको क्या लिखते हैं ओ लिखते हैं, ए वी और ये वाला क्या है। तो एक सर्कल में प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी जीवा किसी भी क्वार्टर से जो सेंटर पर एंगल बनता है सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। सर्कल की प्रॉपर्टी सर्कल में भी पड़ेगा और उसका यूज होगा सर्कल में, लेकिन आप ये समझो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का हमेशा डबल होता है अगर सेम क्वार्टर पर बनना हो सेम जीवा पर। तो बीसी पर एक कोण केंद्र पर बनना है और एक बनना है परिधि, केंद्र वाला डबल होगा परिधि का, ये याद रखना। तो एंगल बी ओ सी ये एंगल ए का क्या होगा डबल, जैसे कल को कोई कहेगा ये वाला एंगल 70 है तो ये 140 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो एंगल बीओसी का मान अपोजिट शीर्ष के शीर्ष एंगल के डबल के बराबर। अब एक चीज ये भी है कि अगर ये वृत्त है और ये केंद्र है तो ये वाली तो त्रिज्या हो गई ना, ये वृत्त जो बना हुआ है ये त्रिभुज के शीर्षों को ही तो टच कर रहा है, मैंने क्या कहा कि शीर्ष से तो समान दूरी पर होता है केंद्र, तो ये जो केंद्र है ये त्रिभुज का शीर्ष बी से भी इतनी दूरी पर होगा सी से भी। तो आप याद रखना इसको अलग बना देना इस ट्रायंगल को जो अंदर बना हुआ है ओ बी और ये दोनों साइड आपस में क्या है, क्योंकि ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से दूरी अगर निकालोगे परिधि तक की तो वो त्रिज्या ही तो कहलाएगी, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो वो दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, यानी ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं तो ये कोण किसके बराबर होगा, ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, ठीक है जल्दी से आप इसको
अटेंडेंस हो गई सबकी? टोटल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, कितना रहेगा आप ध्यान रखना।
कोण का और इस कोण का टोटल हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। चलो एक बात देखो, जैसे एक ऑर्थो सेंटर है हमारे पास, मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये 42 डिग्री है और आपसे पूछे ये वाला कितना होगा, अगर ये ऑर्थो सेंटर तो आप क्या करोगे, 180 में से 42 कम कर दो, और 180 में से 42 कम करेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा कितना है, 180। ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, जैसे ये केंद्र है,
इसके वर्टेक्स से इसको मिलाता चला जाए कि यहाँ पर नीचे तरह आपका बहुत बार अगर ज्योमेट्री में पड़ा होगा तो कैसा देखा आपको, या तो ये वाला एरिया में देगा आप से इधर वाला, या फिर हो सकता है पूरे का देखें तो सभी से सही पार्ट पता क्या है आप देखिए केंद्रक है इसको मैंने यहाँ मिला दिया इसको मैंने यहाँ मिला दिया दो ही ध्रुवज आ रहे हैं साइड, इसका मतलब ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पर जो तीन ध्रुवज देख रहे हो तीनों ध्रुवज का एरिया आपस में क्या होगा, पहले ध्रुवज का एरिया, दूसरे ध्रुवज का एरिया और तीसरे ध्रुवज का एरिया आपस में क्या होगा बराबर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंपेयर कर रहा हूँ किसी एरिया ध्रुवज बराबर होंगे नहीं होंगे वो मतलब नहीं है, मैं केवल बात किसकी कर रहा हूँ इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, मैंने तो कोई पीली बात ना, अगर ये मध्य का है दो भागों में डिवाइड हो गया, ये वाली मध्य का है तो दो भाग डिवाइड हो गया, अब नीचे वाले को अगर हम बात करें ये वाला इस ध्रुवज में भी ये मध्य का है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों ध्रुवज आपस में क्या होंगे मध्य का जवाब खींच रहे हो, ये दोनों भी तो बराबर ही हो रहे थे, जब ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाले भी दोनों बराबर होंगे, जब आप इनको ओवर कंपेयर करेंगे तो जितने भी आप देख रहे हैं सबका क्षेत्रफल बराबर होने का क्या है सब बराबर होगा। एग्जामिनर परेशान करने के लिए दो मध्य का एक क्षेत्र दिखता है
एक पॉइंट देखाऊंगा वो लिखो। आपसे पता है सभी की लोकेशन पूछता है कि किस त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा और कौन सा त्रिभुज के बाहर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर ही है। जैसे हमारा ये होता है क्या बोलते हैं आर्क सेंटर है, आर्क सेंटर तो अंदर ही बनेगा क्योंकि सी स्लम होते कहाँ है अंदर। लेकिन आप इस बात को मैंने एक त्रिभुज ऐसा बनाया त्रिभुज आप बताइए कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इधर ही कहीं पड़ेगा और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कहीं आ जाएगा। ये अगर आपको देखना है ये त्रिभुज के बाहर ही तो नहीं बैठे आपको सेंटर त्रिभुज के अंदर भी होता है त्रिभुज के बाहर भी तब वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पॉइंट है। बाकी अपने जब पढ़ेंगे संभाव त्रिभुज है या कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे पहले तो आप देखो संभाव त्रिभुज पॉइंट देखो ज़्यादा नहीं कुछ पॉइंट है संभाव त्रिभुज के सभी के संभाव त्रिभुज के सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। संभाव त्रिभुज के सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। मतलब इसका सीधा है कि अगर त्रिभुज संभाव आपसे कह रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी केंद्र त्रिभुज के अंदर है तो समझ लो कि वो संभाव त्रिभुज है। संभाव त्रिभुज के साथ त्रिभुज के अंदर का मतलब यह है कि इनका कोई भी केंद्र त्रिभुज के बाहर नहीं आएगा। अंतः केंद्र होगा वो भी अंदर ही होगा, परिकेंद्र होगा वो भी। संभाव त्रिभुज जहां पर लिखना है उसके साइड में ऐसे करके न्यून कोण त्रिभुज और लिख देना। मैं पढ़ाऊंगा तो अगली क्लास के लिए न्यून कोण त्रिभुज या फिर संभाव। पता है क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यह होता है कि जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे तो वो होता है न्यून कोण। तो संभाव त्रिभुज के भी तो सभी कोण 90 डिग्री से कम ही होते हैं तो चाहे संभाव त्रिभुज आ जाए चाहे न्यून कोण त्रिभुज इसका कोई भी केंद्र त्रिभुज के बाहर नहीं बनता है। ठीक है अगली बार देखिए संकोण त्रिभुज का लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर संकोण त्रिभुज का लंब केंद्र संकोण वाले शीर्ष पर संकोण त्रिभुज का लंब केंद्र संकोण वाले शीर्ष पर और परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। और परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ठीक है ये डायरेक्ट पूछ लेता है संपूर्ण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है तो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अच्छा देखो ये तो ऑलरेडी इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है तो लंब केंद्र बनाएंगे यहां से लंब डालना थोड़े ना ये ऑलरेडी 90 डिग्री तो मिल रहा है एक दूसरे को तो लंब केंद्र तो यहीं पर होगा लेकिन जो परिकेंद्र होगा वो जो कर्ण होगा उसके बिल्कुल सेंटर पर होगा। आगे लिखो अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। अरे सॉरी लंब केंद्र और परिकेंद्र दोनों लिख रहा लंब केंद्र तथा परिकेंद्र दोनों लिख रहा लंब केंद्र तथा परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। लंब केंद्र तथा परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित देखो लंब केंद्र के बारे में बताया गया है इनसे अगर आप परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पे डालेंगे तो बाहर काटेगा त्रिभुज के। अब परिकेंद्र का भी आप समझ लो परिकेंद्र का मतलब जो इसका परिवृत्त होगा। अब आप बताओ ये वृत्त बनेगा तो इधर आगे नहीं बनेगा ना इतना बड़ा बनेगा नहीं बनेगा तो इसका सेंटर तो बाहर ही निकल जाएगा इस वाली लाइन के। होता क्या है अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा जबकि होता जब आप पढ़ेंगे सर्कल तो अगर सेंटर इस लाइन पे रहेगा तब भी ये वाला कोण सिर्फ 90 डिग्री हो पाएगा। 90 डिग्री से अगर बड़ा बन गया कोण तो समझ लो कि सेंटर इस वाली लाइन से बाहर निकल जाएगा। तो 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है तो सेंटर जो होगा हमेशा त्रिभुज के कहां बनेगा बाहर बनेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा त्रिभुज किस त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा
तो आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यू कोण, संकोण या जो भी आपको दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है अभी कोण त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर है। साइड के रेशियो के बराबर होगा अगर आप छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल